नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सैमसंग फाइनेंस सपोर्ट में आपका स्वागत है। यहां आपको सिर्फ सैमसंग फाइनेंस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी, वो भी फटाफट। आज हम बात करने वाले हैं नए मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस MRC के बारे में, जो 1 जून 2024 से लागू होंगे। तो MRC क्या है? ये 590 रुपये का फिक्स्ड चार्ज है, GST भी शामिल, जो उन सभी मामलों में लगेगा जहां मैंडेट रिजेक्ट हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा अगर ये आपको प्रभावित करता है? अगर आपका मैंडेट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको SMS और एक वेलकम कॉल आएगा। इन चार्जेस से बचने के लिए सभी ग्राहकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन उनकी पहली EMI प्रेजेंटेशन के 2 दिन पहले पूरा हो जाए। ये बहुत जरूरी है। अब बात थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी। मैंडेट रिजेक्शन चार्ज आपकी लोन की पहली EMI प्रेजेंटेशन से 2 दिन पहले लगाया जाएगा। एक बार लगने के बाद MRC को अगले महीने की 11 तारीख तक भरना होगा, जो पहली EMI प्रेजेंटेशन के बाद का महीना होगा। और एक अहम बात, अगर MRC नहीं भरा गया तो आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। बिल्कुल सही, लॉक। इसके अलावा MRC किसी भी मैंडेट बाउंस चार्ज के अतिरिक्त लगेगा, जो हर बाउंस ट्रांजेक्शन के लिए लगता है। लेकिन याद रखें, MRC लोन के पूरे समय के दौरान सिर्फ एक बार लगने वाला चार्ज है। तो ये रहा नए मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस का पूरा ब्यौरा, और अपडेट्स के लिए हर शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर जरूर आएं। तब तक अपना ख्याल रखें।